नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे ही बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद बवाल भी इन दिनों बढ़ रहा है। रोजाना इस मामले में एक नई कड़ी सामने निकल कर आती है। अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि याचिका दायर करने वाली महिला के गुट में अनबन होने से एक महिला याचिकाकर्ता अपना मत वापस लेगी, लेकिन फिर मामले ने रुख बदला और महिला के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। बवाल में अब खबर ये आ रही है कि कोई भी फेरबदल याचिका में नहीं किया जाएगा। फिलहाल यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि याचिका दायर करने वाली ये पांचों महिला कौन है और वो कैसे अपनी मांग को लेकर बनारस के कोर्ट में पहुंची, जहां से इस याचिका ने एक विकराल बवाल का रूप धारण कर लिया और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। आइए जानते हैं कौन है ये महिलाएं और वो ये निरीक्षण और मां श्रृंगार गौरी के दर्शन और पूजा की इजाजत क्यों चाहती है। याचिकाकर्ताओं में एक महिला का नाम है राखी सिंह। अदालती दस्तावेजों में इस मुकदमे को राखी सिंह अदालत में दाखिल दस्तावेजों में लिखा है कि राखी सिंह दिल्ली के हौज खास की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने पति का नाम इंद्रजीत सिंह और उनका लखनऊ में एक स्थानीय पता भी है जो शहर के हुसैनगंज इलाके में है। महिला ने दायर याचिका में विधि विधान से पूजा अर्चना करने की मांग की है। चलिए अब आपको दूसरी महिला याचिकाकर्ता के बारे में बताते हैं, जिनका नाम है लक्ष्मी देवी। मिली जानकारी के मुताबिक लक्ष्मी देवी बनारस के महमूरगंज इलाके की रहने वाली हैं। उनके पति डॉक्टर सोहन लाल आर्या है। डॉक्टर आर्या ने भी 1986 में बनारस की अदालत में वर्तमान मुकदमे से मिलता जुलता एक केस दाखिल किया था और उस केस के आधार पर भी एडवोकेट कमिश्नर के निरीक्षण का आदेश हुआ था। लक्ष्मी देवी का कहना है कि उनके पति डॉक्टर सोहन लाल आर्य के पुराने मुकदमे की वजह से ही वो भी मां श्रृंगार गौरी के मामले में याचिकाकर्ता बने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मां श्रृंगार गौरी का मुद्दा महिलाओं का मुद्दा है, इसीलिए इसमें हम सब महिलाएं जुड़ गई हैं। बहरहाल अब याचिकाकर्ता नंबर 3 के बारे में आपको बता दे चुके हैं, जिनका नाम है सीता साहू। सीता साहू भी बनारस के चेतगंज इलाके की रहने वाली हैं। उनके पति का नाम है गोपाल साहू। याचिकाकर्ता मंजू व्यास की तरह ही सीता साहू भी एक सामाजिक सेविका है। सीता साहू का याचिका को लेकर कहना है कि वो मां श्रृंगार गौरी की बहुत बार पूजा करने गई है। वो दावा करती है कि मां श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर है और जहां लोगों को पूजा करने की अनुमति है वो महज चबूतरा है। वो कहती है कि हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोग अंदर नहीं जा सकते और सिर्फ बाहर पैर छू कर आ जाते हैं। मंजू व्यास यानी याचिकाकर्ता नंबर 4 के बारे में आपको बताते चले। दरअसल मंजू व्यास बनारस के रामधर मोहल्ले की रहने वाली और उनके पति का नाम विक्रम व्यास है। मंजू व्यास का कहना है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब रहती है और वो एक समाज सेविका है। मंजू व्यास का तर्क है कि वो मां श्रृंगार गौरी के दर्शन करती है और उनके मुताबिक रोज दर्शन करने की अनुमति होनी चाहिए। वो कहती है कि हम लोग चौखट के दर्शन करके आ जाते हैं। गौरतलब है कि मां श्रृंगार गौरी का विग्रह ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पीछे वाले हिस्से में चबूतरे पर बताया जाता है। मंजू व्यास कहती है कि उन्होंने दर्शन की मांग को लेकर एक संगठन विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बीसेन से बात करी याचिका दायर की है। चलिए अब आपको रेखा पाठक के बारे में बताते चले कि रेखा पाठक याचिकाकर्ता नंबर 5 है। ये बनारस के हनुमान फाटक की रहने वाली है और उनके पति का नाम अतुल कुमार पाठक है। रेखा पाठक भी शुक्रवार को हुए निरीक्षण में भी मौजूद थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाने पर रेखा पाठक कहती है कि एक गलत आरोप है, हमारे सामने साक्ष्य मिले हैं, उन्होंने न्यायालय ने ही रखा है, हम लोगों में कोई गलत भाव नहीं है, दूसरे पक्ष को ऐतराज है कि सच्चाई खुल ना जाए। मैं मां श्रृंगार गौरी का दर्शन करना चाहती हूं, मंदिर में हम लोगों के खून में है। बहरहाल यहां ये भी समझे कि सभी महिला याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिद प्लॉट नंबर 9130 पर है और कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें अंदर जाकर निरीक्षण करने और उनकी वीडियोग्राफी करने का पूरा अधिकार है। महिला याचिकाकर्ता का कहना है कि हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं और हम लोग एक एक चीज की छानबीन जरूर करवाएंगे। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन।